लॉजिक बता, सॉल्वेंट पहले क्यों लिखा हम लोगों ने? पहले सॉल्वेंट का नाम क्यों लिखा? बिकॉज सॉल्वेंट डिसाइड करता है सॉल्यूशन का टाइप, राइट? अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉलिड है तो हम लोग उसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, राइट? सॉलिड सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा लिखा है, पहले सॉल्वेंट और बाद में सॉल्यूट लिखा है। ओके रिमेंबर, ठीक है? तो आपको उल्टा क्यों लग रहा है? बिकॉज आपके बुक में सॉल्यूट पहले और होगा, सॉल्वेंट बाद में होगा, इसलिए इसका उल्टा लग रहा है आपको। बट दिस इज द राइट वे टू रिमेंबर द टेबल, पहले सॉल्वेंट और बाद में सॉल्यूट। ओके, आप उल्टा करके लिखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। ओके, और मैं क्या ट्राई करता हूँ, मतलब आपका अपना बुक तो हम लोग कोशिश करते ही है, पर वी टेक केयर दैट कि एनसीईआरटी के बुक को हम लोग थोड़ा सा फॉलो करें प्रॉपरली, क्योंकि एमसीक्यूज में थोड़ा ज़्यादा हेल्प करता है वो। रॉन्ग तो नहीं लिखा हम लोगों ने ना, कुछ जो है वो बराबर है, समझे आपको? आपका डाउट क्लियर? यस सर। ओके, तो हम लोग देखते हैं रॉल्स लॉ। लास्ट टाइम भी देखा था रॉल्स लॉ, बहुत लेंदी है अभी भी इसको। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? वोलेटाइल कॉम्पोनेंट। क्या है वोलेटाइल कॉम्पोनेंट? समझो दिस इज लिक्विड वन विच इज वोलेटाइल, ओके, एट गिवन टेम्परेचर। ओके, इसका कितना मोल्स लिया हम लोगों ने? एन वन मोल्स। तो इट्स वेपर प्रेशर विल बी P01। जीरो स्टैंड फॉर प्योर स्टेट। प्योर। देन वी टेक सेकेंड लिक्विड, लिक्विड टू। हाउ मेनी मोल्स? N2 moles. Okay, और इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कितना है, समझो? P2 not 2. तो आप कितने भी लिक्विड ले सकते हो, राइट? 3-4। रिक्वायरमेंट क्या है उनको मिक्स करने का, क्या बनना चाहिए? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इट शुड, द मिक्सचर मस्ट बी होमोजेनियस। तो लिक्विड 3। ओके, हाउ मेनी मोल्स? N3 3. P3 not. अगेन सो ऑन। तो प्लस अगर हम लोग ये वोलेटाइल, तीनों भी कंपोनेंट वोलेटाइल है, उनको मिक्स किया हम लोगों ने, तो समझो सॉल्यूशन बन गया, राइट? ओके, इस सॉल्यूशन में लिक्विड वन का मोल फ्रैक्शन कितना है? X1 है ना? X1। लिक्विड वन का मोल फ्रैक्शन X1, कैसे फाइंड करेंगे? N1 upon N1 plus N2 plus N3. ओके, N1 upon N1 plus N2 plus N3, that is the mole fraction of liquid 1. लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन X2 होगा, राइट? यस। N2 upon N1 plus N2 plus N3. और लिक्विड 3 का मोल फ्रैक्शन N3 upon N1 plus N2 plus N3। हां क्लास, ये सब वो भी चलेगा, पर ये ज्यादा इजी फार्मूला है। यस, क्योंकि तीनों फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो आंसर कितना होता है? 1 होता है। 1। देखो, जो लोग जेडबल नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कांसेप्ट और शॉर्टकट दोनों भी साथ में आने चाहिए, ठीक है? जो इतना टाइम बच सकता है बचाओ। तो X3 इक्वल टू, देखो X1 प्लस X2 प्लस X3 कितना होता है? 1 होता है। तो X3 कितना होगा? 1 माइनस X1 प्लस X2, बराबर ना? X1 प्लस X2, यस। तो भी है। हाँ। तो क्लास, यहाँ पे जो सरफेस पे प्रेशर होगा, ओके, तीनों सबके सब कंटेनर बंद है, तो ये समझो सोल्यूशन आपका। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, कौन प्रेशर एग्जर्ट करेगा? वेपर्स, बराबर है? वेपर्स। हाँ, ऑन द सरफेस। तो क्लास, उसमें से कुछ प्रेशर होगा लिक्विड 1 की वजह से, कुछ होगा लिक्विड 2 के वजह से, कुछ प्रेशर होगा लिक्विड 3 के वजह से। हां, तो लास्ट लिक्विड, हां लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर प्योर से भी कितना था? P01 था, राइट? P01। हां, पर वो सॉल्यूशन में चेंज होके कितना हो जाएगा? P1 हो जाएगा। ओके, कौन ज्यादा है, P01 है P1 ज्यादा है? P01 ज्यादा है। P01, क्योंकि हां मिक्स करने से वेपर प्रेशर कम होता है, ठीक है? ओके, लिक्विड 2 का कितना होगा? P2, राइट? प्योर स्टेट में P02 था, इन सॉल्यूशन इट इज P2। लिक्विड 3 का P3। तो यहां पे टोटल वेपर प्रेशर, तो क्लास सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज P1। P1 इज अ पार्शियल वेपर प्रेशर, राइट, ऑफ लिक्विड 1 इन सॉल्यूशन, बराबर? अंडरस्टूड? हां, यस। P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। एंड P3 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 3। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ
लिक्विड थ्री. लिक्विड थ्री ओके. तो क्लास टोटल वेपर प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है आपका. तो टोटल वेपर प्रेशर ऑन, टोटल वेपर प्रेशर ऑन सॉल्यूशन, तो इसको लिखते हैं हम लोग पीटी. टोटल वेपर प्रेशर ऑन सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री. बराबर है? यस यस. एंड रॉल्स लॉ के हिसाब से पी वन का लिए कैसे मिलता है, तो लिक्विड वन का प्योर साइड में वेपर प्रेशर कितना था? P03 into X3. तो राउल्स लॉ क्या बोलता है? The partial vapor pressure of any volatile component of solution, right? आपका component कैसा होना चाहिए? Volatile. Volatile. हाँ. Class volatile नहीं होगा तो उसका vapor pressure नहीं होगा, right? नहीं बनेगा. Yes. हाँ. The partial vapor pressure of any volatile component of solution is always equal to its vapor pressure in pure state. Pure state. Pure state. In- its vapor pressure in pure state, मतलब vapor pressure of liquid 3 in pure state multiply by mole fraction in the solution. Mole fraction. Its mole fraction in the solution. So this law is called as the Raoult's law. Raoult's law. बस समझो हमारे पास, चलो हम लोग ना mostly binary solution based deal करते हैं, तो क्या समझो हमारे पास कितने component है? सिर्फ दो ही है. दो. बोल रहा हूँ, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? दो ही component है पास. Liquid 1 and liquid 2. बराबर है? Say for example, we are doing yes. two component, liquid one, liquid two. Okay. So, आपको P1 plus P2 आएगा, right? Yes. Yes. Okay. P1 is equal to our total vapor pressure is P1 plus P2. हाँ. Class, अगर मैं इसको लिखता हूँ, P total is equal to P01. इसको लिख सकते हैं P01 X1 plus Raoult's law. Solute, okay? देखते हैं राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. सॉल्यूट. हां, तो हमारे पास एक बीकर में है सॉल्वेंट, लिक्विड है. उसके कितने मोल्स हमारे पास? n1 मोल्स है, ठीक है? ये आपका लिक्विड है, ये आपका क्या है? सॉल्वेंट. प्लस कोई भी चलेगा, समझो ये वाटर है. से फॉर एग्जांपल प्लस, तो आपका लिक्विड कैसा है? आपका सॉल्वेंट इज वोलेटाइल. सॉल्वेंट कैसा है आपका? वोलेटाइल. वोलेटाइल. तो उसका वेपर प्रेशर होगा, बराबर है? यस. कितना होगा? P01. ओके. तो आपके पास दूसरे बीकर में आपने लिया है ग्लूकोज. क्या लिया है? ग्लूकोज. ग्लूकोज सॉलिड होता है, राइट? यस यस यस. ओके, ग्लूकोज. ग्लूकोज लिया है, ओके, सॉलिड ग्लूकोज. हां. और क्लास के कितने मोल्स थे हम लोगों ने? n2 मोल.
तो ये ग्लूकोज हमारे पास है उसके इन टू मोल्स है बराबर। और आपका ग्लूकोज क्या आपके लिए दोनों को मिक्स किया सॉल्यूशन बनेगा क्या? यस सर, पेपर प्रेशर कम हो जाएगा। नो डाउट, वो तो कम होना ही है। तो क्लास यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा यस। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्यूशन आपके पास। तो यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो कौन करेगा? लिक्विड करेगा। वाटर करेगा या ग्लूकोज करेगा? वाटर करेगा। वाटर ग्लूकोज नहीं करेगा ना? क्यों नहीं करेगा? बिकॉज़ वो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है। तो क्लास समझे सॉल्यूशन के भाई प्रेशर कितना है? P1 है। कितना है प्रेशर? P1। वो P01 से ज्यादा या कम है? कम है। कम है। ठीक है, मैं P1 को क्या बोलूंगा? प्रेशर अप्लाइड पार्शियल वेपर प्रेशर। अभी पार्शियल वर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ मुझे? पार्शियल वर्ड क्यों नहीं आएगा? कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट है। दोनों कंपोनेंट वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करते, राइट? यस। दोनों कंपोनेंट प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे एक ही कंपोनेंट प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। कौन सा? वाटर। वाटर। ठीक है, यहाँ पे कौन एक प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहा? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज नहीं कर रहा। एग्री? यस यस सर। तो पार्शियल वर्ड आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा पार्शियल, ये वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। नहीं आएगा। ओके, तो क्लास मैं बोलूंगा यहाँ पे पी वन। पी वन को क्या बोलूंगा मैं? बोलो। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बोलने से अच्छा ज्यादा अच्छा लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, राइट? यस। ओके क्लास, इस केस में आपको इसको सिंपली बोल सकते हो आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इतना भी चलेगा। क्या बोला कह सकते हो? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हां क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो भी प्रेशर हो किसकी वजह से है? सॉल्वेंट की वजह से। वाटर। वाटर। और ये तो P01 और P1 में डिफरेंस क्या है? P01 प्योर स्टेट में, P1 ग्लूकोज ऐड करने के बाद है। तो P01 वेपर प्रेशर वाटर जब वो प्योर स्टेट में था तब है, राइट? यस। P1 यहाँ पे वेपर प्रेशर वाटर का ही है पर वो जब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ग्लूकोज के साथ तब है, बराबर है? यस यस। ये स्टेटमेंट आपको समझा? यस सर। यस सर। सॉल्वेंट from solution, बराबर? Yes sir. Yes. From solution. अगला इसको simply बोल सकते हैं vapor pressure of solution. ऐसा बोला तो भी कुछ गलत नहीं है. Vapor pressure of solution. Okay. तो अगला Raoult's law के हिसाब से P1 is equal to P01 into X1. बस. Plus actually देखो अगर हम लोग ग्लूकोज भी कंसीडर करते हैं तो क्या होता है? P02 into X2 पर क्लास सिंस ग्लूकोज क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। सिंस ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस प्लस P02 का वैल्यू कितना होगा? जीरो। जीरो। मतलब आपका फॉर्मूला क्या होगा? P1 इज इक्वल टू P01 into X1 ये देख के मुझे राउल्स लॉ बताओ। ये स्टेटमेंट देख फॉर सॉल्यूशन ये इक्वेशन ये सपोज आई कॉल इक्वेशन नंबर 1 सो दिस इक्वेशन टेल मी राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। वेरी गुड। फॉर सॉल्यूशन इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बराबर है? Yes.
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बराबर ना? यस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते ब्रैकेट में क्या, सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, बराबर, दोनों एक ही है। इज इक्वल टू और इस प्रोडक्ट ऑफ, बराबर ना? यस, तो वेपर प्रेशर इस प्रोडक्ट व्हाट, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू कौन सा प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एंड मोल किसका ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है ना? हां देखो यहां पे, देखो ये x1 है, x1 मतलब किसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट है ना? सॉल्वेंट, यस, मोल फ्रैक्शन ऑफ, यस, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है? यस यस, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, चलो अभी ये राउल्स हम लोग एक आराम से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पी वन इज इक्वल, क्या इक्वेशन क्या है, पी वन इज इक्वल टू पी वन इंटू एक्स वन, बराबर है? यस, हम रिअरेंज करेंगे पी वन अपॉन पी जीरो वन इज इक्वल टू एक्स वन, बराबर ना? कुछ डिफरेंस नहीं, हमने सिर्फ रिअरेंज किया, डिवाइड बोथ साइड बाय पी जीरो वन, पी वन अपॉन पी जीरो वन इज इक्वल टू x1, x1 plus, can we replace x1 by 1 minus, anybody? x2 can be written as 1 minus x2, chalega na? 1 minus x2, yes, yes. So reason kya hai, since x1 plus x2, equals to 1, okay, plus ko rearrange karenge to x2 is equal to 1 minus P1 upon P01. P1 upon P01. समझा ना आपने? इसको राइट से लेफ्ट लेके गए तो माइनस बिकम प्लस, इसको लेफ्ट राइट लेके गए तो प्लस माइनस हो गया, माइनस, ठीक है? तो ये माइनस बन गया, प्लस हो गया। ओके, हम इसको लिख सकते हैं और मॉडिफाई करके, x2 is equal to P01 minus P1 by P01 प्लस, लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा याद है इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, relative lowering pressure, relative lowering pressure, relative lowering of vapor pressure, right? Vapor pressure. और x2 क्या है? Mole fraction of glucose solute. Solute plus, हाँ. तो plus Raoult's law for solution containing non-volatile solute, right? Yes. Can also be stated as, okay, कौन स्टेट करेगा? Can also be stated as, ये पूरा क्वांटिटी क्या है बोलो? Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Yes. Of vapor pressure is equal to mole fraction of solute, bara? Yes. Yes. Mole fraction of solute. In the solution. Solution. Okay, यहाँ पे कोई डाउट है आपको? सर, सॉल्यूट non-volatile होना चाहिए। देखो यहाँ पे जितने भी हम लोग quality properties लिए करते हैं ना, तो अपना सॉल्यूट क्या होना चाहिए? Non-volatile. Non-volatile. Volatile के हमारे पास उसके rules हमारे पास नहीं है, मतलब वो अपने syllabus में नहीं है। Volatile में क्या होता है, ठीक है? I think volatile solute quality property को obey करता भी नहीं शायद, mostly में देखना पड़ेगा वो। हाँ, तो Raoult's law for solution containing non-volatile solute, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute in the solution. This Raoult's law. Okay, कुछ पूछना आपको before I proceed? कुछ doubt है आपको यहाँ पे, कुछ पूछना है? No, yes, sir. Okay, no.
क्लास नेक्स्ट इज प्लस ये क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, लिटरली ऑलमोस्ट हर साल या फिर एक दो तीन साल में एक बार नहीं आता, पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में. रिलेशन बिटवीन या तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल तो आता है, रिलेशन बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ सॉलिड. रिलेशन बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉलिड. चलो आपने अब देखा राउल्ट्स लॉ P01 माइनस P1 अपॉन T01 इक्वल्स टू X2 इक्वल्स टू राइट यस प्लस X2 कैन बी रिप्लेस बाय 1 माइनस X1 P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू X2 can, हाँ, वो भी चलेगा, N2 upon ये भी चलेगा ना? Yes. अभी हम वापस 1 minus F करेंगे ना, तो वापस उल्टा derivation हो जाएगा. Yes, उल्टा जाएगा. हाँ, ठीक है, तो उसका, तो N2 upon N1 plus N2. हाँ, तो अब एक statement बहुत carefully सुनो. Collative property, अब हम लोग देखेंगे, ये part में थोड़ा late रखूँगा, because थोड़ा lengthy है, और बहुत theoretical है, पर हमें सीखना है, कि collective property we can study properly, only if solution is dilute. अगर सोल्यूशन में सोल्यूट का क्वांटिटी बढ़ता है तो क्वालिटी की प्रॉपर्टी में क्या आता है, डेविएशन. प्रॉपर्टी आपको राइट रिजल्ट नहीं देता. आपको आपको फिजिक्स में सीखा, आपने एरर सीखा है ना? यस. हाँ, तो अगर आपका सोल्यूट ज्यादा होगा सोल्यूशन में तो क्या होता है, क्वालिटी प्रॉपर्टीज क्या देना शुरू करता है, एरर्स. उसमें क्या आता है, डेविएशन. तो प्लस क्वालिटी प्रॉपर्टी आपको स्टडी करना है प्रॉपरली, एक्यूरेटली आपको वैल्यू चाहिए, तो सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट सोल्यूशन. सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट सोल्यूशन. क्यों होता है हम लोग सीखेंगे, मैं आपको उसके लिए एक अलग से लेक्चर होगा, राइट, इसी चैप्टर में है. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर स्टडीड फॉर विच सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन. प्लस कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो प्रॉब्लम क्या होता है, आपको रिजल्ट्स में बहुत सारे डेविएशन आता है, तो आपका प्रॉपर्टीज प्रॉपर्ली स्टडी नहीं हो सकता. स्टडीड फॉर dilute solutions, okay? Quality properties are studied for dilute solutions, okay? Okay. Yes. So, dilute solution क्या होता है? जिसमें solute क्या होता है? बहुत कम. As compared to solvent. ऐसा solution जिसमें solvent बहुत ज़्यादा है, solute बहुत कम है. Fully dilute, right? So N2 is very very small as compared to N1. तो ला हम लोग N1 plus N2 को approximately कितना लेंगे बोलो फिर? N1. क्यों? Because N2 हम लोग क्या करेंगे? Neglect. समझो हमारे पास 5 मोल सॉल्वेंट है और हमारे पास 0.1 मोल सॉल्यूट है. तो क्लास 0.1 को हम लोग 5 के सामने क्या करेंगे? Neglect करेंगे. तो N1 plus N2 is approximately equal to N1. N1. प्लस आप बोलोगे यहाँ पे neglect क्यों नहीं किया? तो याद रखो कि approximations are done only in addition and subtraction. ओके, अप्रोक्सीमेशन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं करते. क्लास किसी छोटे चीज को बहुत बड़ी चीज से डिवाइड करोगे तो आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस आता, राइट, या मल्टीप्लाई करोगे तो भी. यस. तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हम लोग सिर्फ एडिशन में कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 upon N1. इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो P01 minus P1 upon P01. Class, ये बहुत famous formula है. Number of moles is equal to given mass upon molar mass. So if I say number of moles of solvent, क्या आएगा? W1 upon M1. Mass of solvent upon molar mass of solvent. And N2 क्या आएगा? W2 upon M2, और N1 पे जगह पे डालेंगे हम लोग
Wn by M1. By M1. M1. Okay. Plus, of course, division is opposite of multiplication, right? So yes. We can write finally P01 minus P1 upon P01 is equal to W2 upon M2 into M1 upon W1. Plus, यहाँ पे आप लिख सकते हो या फिर एक लाइन और बढ़ा सकते हैं. आपको रिलेशन क्या पूछा है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास को एक जगह पे ऐसा किया तो चलो. देखो न्यूमेरिकल्स के लिए ना आप यही फॉर्म ऊपर वाला फॉर्मूला ऐड करो, तो ये नीचे ना कंफ्यूज होने का चांसेस है. पर डेरिवेशन के लिए आप M2 को सेपरेट करो. और क्या लिखोगे आप? P01 अपॉन M2 इधर क्यों लिया? M2 ना क्योंकि हमें रिलेशन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या अपना, रिलेशन बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. एवरी क्वेश्चन ऐसा सकता है, हाउ टू फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. बराबर? यस सर. यस सर. तो P01 अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा. P01 माइनस P1. सब लोग को भी लॉग बुक यूज करना आता है ना? यस. टू M1 अपॉन W1. तो दिस इज रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ सॉलिड एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास. एक्चुअली आप जब न्यूमेरिकल्स के लिए जाओगे तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये इजी होता है याद रखने के लिए. आपकी मतलब दूसरा भी कर सकते हो, आपका अच्छा है, पर ये मुझे लगता है कि पहला वाला ज्यादा अच्छा है हार्ड करने के लिए एज कम्पेयर टू सेकंड फॉर न्यूमेरिकल्स. तो क्लास ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में 2 मार्क के लिए. डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉलिड. एवरी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू फाइंड मोलर मास ऑफ सॉलिड यूजिंग लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये डेरिवेशन आपका हो गया. एनी डाउट हियर? यस सर. ओके. क्लास एक आपको एक फॉर्मूला देता हूँ जो एमसीक्यूज के लिए सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यूज के लिए इसका फायदा होगा थोड़ा एमसीक्यूज का स्पीड बढ़ाने के लिए. ओके क्लास, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? मोलैरिटी इज याद है W2 अपॉन M2 इनटू 1000 अपॉन W1. W1 इन क्लास है W1 किसमें, ग्राम में किलोग्राम में? ग्राम. तो मैं लिखता नहीं बिकॉज अंडरस्कोर ऊपर 1000 लिखा, मतलब W1 ग्राम में हो जाएगा, राइट? यस. तो क्लास कैन आई राइट W2 प्लस, दिस इज ओनली फॉर एमसीक्यू, W2 अपॉन M2 इनटू W1 इज इक्वल टू M/1000. चेक करो. तो क्लास में ये पार्ट को इससे रिप्लेस कर सकता हूं. चेक करो W2 upon M2 into W1. Yes, sir. 1000 by M. 1000 by M, right? Yes. Yes. पक्का? No, sir. एक रुको. No, sir. नहीं, रुको रुको, यहाँ पे गलती हो गया. W2 upon, यहाँ पे उल्टा लिखा गया. W2 upon M2. एक, नहीं, उल्टा नहीं, एकदम यहाँ पे मिस हो गया. W2 upon M2. W2 M1 upon W1 ये बराबर ना, तो अगर M2 यहाँ पे लेके आते हैं, तो M2 को सिर्फ निकालेंगे, तो W2 into M1 upon W1, राइट? ये बार इतना बराबर है, W2 M1 upon W1, रुको जरा एक काम करते हैं, W2 M1 upon W1, ये आपकी कुछ गलती नहीं है. क्लास ऊपर देखो, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है? तो क्लास W2 ध्यान दो, W2 M1 upon W1 ये कितना वैल्यू है, सॉरी W2 upon M2 into W1 ये वैल्यू कितना है? M/1000. सॉरी मैंने यहाँ पे गलत फॉर्मूला मिस किया. हाँ, M/1000, राइट? प्लस देखो ये इतना पार्ट, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, W2 M2 अपॉन W1 इज M/1000. तो क्लास वी कैन राइट P01 माइनस P1 अपॉन
either one is equal to m m1 upon 1000. चेक करो बराबर है. यस सर. ओके ये पूरा टर्म यस ये टर्म किस रिप्लेस किया हम लोगों ने m by 1000 से by 1000 और यहां पे m1 तो बाजू में है ही ऑलरेडी m1 तो m m1 yes. हां तो क्लास अब सिर्फ फार्मूला लिख के रखो एक इधर तो ये एमसीक्यू इसके लिए आपको बहुत काम में आएगा. तो इट इज रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलैलिटी. ओके ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे कभी भी पर एमसीक्यू में आपको मोलैलिटी दिया है देन हाउ यू गो फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. हो गया एनी डाउट यू नो. ओके अगला एक पार्ट है जो थियोरेटिकल है बहुत ज्यादा दैट इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. ओके डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो मैं उसको थोड़ा आराम से लेट सिखाऊंगा आपको ठीक है. बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अभी. सब लोग रेडी है न्यूमेरिकल्स के लिए? यस सर. ओके लेट मी गिव यू क्वेश्चन. क्वेश्चन आप लिख लो नेक्स्ट टाइम आपको पूरा प्रिंटेड दूंगा. द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. Calculate vapor pressure of solution containing 2.8 gram of urea. यूरिया का फॉर्मूला आता है NH2CONH2. यूरिया इन 50 ग्राम वाटर. क्लास ट्राई करो. ठीक है ट्राई कर सकते हो. क्लास में कुछ लिखता हूँ. क्लास फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है देखो क्या फॉर्मूला है. P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इनटू M1 अपॉन W1 राइट. एवरीवन मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस सर. यस सर. फॉर्मूला क्या हमारे पास P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 by M2 into M1 upon W1. Okay. Put the values. मैं चेक करता हूँ क्या लिख रहे हो. मिस्टर आलोक शर्मा. आलोक शर्मा इज देयर? यस सर. ओके मुझे तो यहाँ पे P01 कितना है? क्लास उन्होंने बोला वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री इज 17 mm ऑफ Hg. तो क्लास वाटर क्या है? सॉल्यूशन या सॉल्वेंट है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री. क्लास वेपर प्रेशर किसका दिया? सॉल्वेंट का दिया, सॉल्यूट का दिया, सॉल्यूशन का दिया? सॉरी सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का दिया है. वाटर इज सॉल्वेंट ना. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्योर वाटर तो 17. तो P01 इज 17 mmHg. कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. किसका वेपर प्रेशर फाइंड करना आपको?
सॉल्यूशन का, तो आपको फाइंड क्या करना है, P1 कितना है, बराबर है. ओके, कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया प्लस व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूट, 2.8 W1 or W2 solute, right? Yes. In 50 gram water, what is mass of solvent? 50 gram. Okay. Now, what is molar mass of solute? Urea, आपको मालूम है दिया ना उन्हें urea. Molar mass of solute, urea कितना होगा? 2 nitrogen. बोलो. Total 60 आएगा. 60 आएगा. कार्बन, हाँ यूरिया तो सबको बाहर दिया ना, यूरिया 60 प्लस यूरिया 60 बाहर करो क्योंकि बहुत बार लगता है, करोगे तो भी 60 आने वाला है. तो 2 × 14 + 4 × 1 + 12 + 16 = 60 ग्राम पर मोल. प्लस प्लस हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला. यस. यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट वाटर है, राइट? H2O. तो उसका M1 कितना है? 18. ओके, अब सब वैल्यूज है, पुट इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. फॉर्मूला क्या है, P01 - P1 / P01 = W2 / M2, right? × M1 / W1. So 17 - P1 बराबर है (17) = 2.8 / 60 × 18. सर 16.7148 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है. 50 हाँ सॉल्व किया किसी ने, 16.7148 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, मैं करता हूँ. 16.71. यस. ओके, सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो अच्छे से. तो 17 / 2. ओके, तो इट इज 0.2856, राइट? बाकी सब टर्म शिफ्ट करोगे तो P1 = 17 - 0.2856. 16 point कितना? 7.74. यूनिट मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ओके ओके, सब लोग का हो गया? यस यस सर. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन दो आपको मैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट देता हूँ मैं, थोड़ा सा. यहाँ पे एक छोटा ट्रिक है, देखते कितने लोगों को ट्रिक समझता है. वेपर प्रेशर ऑफ टू पॉइंट वन परसेंट सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट? जो कट्टा नाना नहीं बनाता, राइट? यस. मतलब जो नाइदर एसोसिएट नॉट एसोसिएट इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 755 mmHg. कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट.
कितना क्वेश्चन है आपको पेपर पूछा दिया किसका है सॉल्वेंट का है सॉल्यूशन का है सॉल्यूशन सॉल्यूशन का क्या लिखा है द वेपर प्रेशर ऑफ 2.1% सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रॉल इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 70 ठीक है ये समझ आपको किसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है बराबर ना कितना है 755 मिलीमीटर तो P1 है आपके बराबर है या P01 है थोड़ी दाड़े वाले P1 या P01 P1 755 मिलीमीटर एच प्लस आपको अगर याद है मैंने बहुत पहले लेक्चर में सिखाया था आपको 2.1% ये कौन सा परसेंट है W by W, V by V या W by V? W by W. ओके क्या रीजन है दिया नहीं जब मेंशन नहीं किया था कौन सा परसेंटेज तो हम क्या मानते हैं इसको मास बाय मास बराबर परसेंटेज बाय मास तो हम लोग क्या करेंगे अज्यूम करेंगे हमारे पास कितना सॉल्यूशन है 100 ग्राम कितना अज्यूम करेंगे 100 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था 2.1 ग्राम राइट क्यों अपने 100 ग्राम अज्यूम किया तो आपके पास सॉल्यूट कितना होगा 2.1 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट कितना होगा जब आपको पर्सन जब आपको परसेंटेज देते हैं राइट तो हम लोग क्या करते हैं 7.9 मैं जब क्या दिया था परसेंट दिया था तो हम लोग क्या करते हैं पूरा सॉल्यूशन कितना अज्यूम करते हैं 100 राइट 100 90 कितना 7.9 देखो अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन होता उसमें से अगर सॉल्यूट 2.1 ग्राम है राइट तो सॉल्वेंट कितना होगा 97 ग्राम तो ये 2.1% हो गया 100 में से 2.1 ग्राम कितना होता है 100 ग्राम में 2.1 ग्राम कितना होता है 2.1% ना यस सर तो उल्टा बोलो 2.1% मतलब 2.1 ग्राम इन 97.9 ग्राम बराबर है याद रखो आपको W1 W2 खुद फाइंड करना है अगर आपको पर्सनली दिया रहेगा तो आर यू क्लियर यस यस सर हम लोग को चलो अगर 5% लिखा होता तो 100 में 5% आता तो W2 कितना होता W2 95 W2 5 होता और W1 95 W1 95 W2 5 ओके समझा ओके प्लस आपको क्या फाइंड करना है M2 फाइंड करना राइट आपको क्या इधर मोलर मास राइट M2 फाइंड करना है प्लस यहां पे कुछ डेटा मिसिंग है जो आपको चाहिए फार्मूला में यूज करने के लिए सर P1 नॉट हां P01 P01 यार क्वेश्चन में नहीं दिया है आपको क्वेश्चन P101 दिया है नहीं दिया है नहीं दिया सर वाटर का आएगा प्योर वाटर का कितना बोलो वो हर एक टेम्परेचर पे अलग अलग होता है अपना वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर तो P1 कितना होगा 1 atmosphere क्यों बोलो सर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है वेरी गुड तो यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर राइट यस यस और 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइट यस यस व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट व्हिच vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure what is pressure atmosphere 1 atmosphere 1 atmosphere right okay at boiling point barana yes at boiling point vapor pressure is equal to atmospheric pressure aur atmospheric pressure kitna hota hai 1 atmosphere right plus yahan pe aapke question mein pressure kis kaun se rate mein diya hai millimeter of mercury anybody know 1 atmosphere is how many millimeter of mercury 1 atmosphere kitna millimeter mercury hota hai 1 atmosphere is 760 millimeter of mercury yaad rakho yaar 1 atmosphere kitna hota hai 760 millimeter of mercury to plus agar water boil hota to uska vapor pressure kitna hota 760 760 aur class yahan pe water boil ho raha hai kya
हाँ हो रहा है बिकॉज टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री है तो पिछले वाले कितना आपका होगा 760 mm hg बराबर अभी यूज द फार्मूला ओके m1 का वैल्यू कितना बोलो 18 क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है ठीक है एक बार हमेशा चेक करो सॉल्वेंट वाटर है कि नहीं कभी कभी वाटर देते नहीं दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है यहाँ पे फिलहाल तो वाटर ही है डू द कैलकुलेशन M2 का वैल्यू फाइंड करना है करो 760 माइनस 755 डिवाइडेड बाय 760 इज इक्वल टू 2.1 अपॉन M2 इनटू 18 अपॉन 97.9 बराबर ओके लॉग बुक यूज़ करो कैलकुलेटर यूज़ करो पर क्लास जो भी कर रहे हो अगर आप अभी कैलकुलेटर यूज़ करो तो नेक्स्ट टाइम याद रखो घर पे सॉल्व करते हो लॉग बुक से प्रैक्टिस भी करोगे ओके किसी का आंसर आया ये मेरा आवाज नहीं गया चलो अच्छे लोग मेरा आवाज आ रहा है इतना बोलो एटलीस्ट यस सर आ रहा है 12.35 12.35 आएगा 2.m2 इज इक्वल 2.8 इनटू 18 इनटू 760 डिवाइडेड बाय 97.5 सर 97.9 into 5 okay maybe karta 2.1 into 18 into 760 divided by 97.9 divided by 5 58.68 aata hai सर 60.05 आया 60.05 58.68 55.68 आता है मुझे तो 58. एक बार क्रॉस चेक चेक करो वापस एक बार 58 आया सर 58 सर ग्राम पर मोल ओके सर 58.09 आया चलेगा चलेगा 58. कुछ भी चलेगा 58. आंसर आ रहा है क्या यस ओके मैं आपको कुछ और एक क्वेश्चन देता हूँ देखो टेक्स्ट बुक से नहीं है तो ये भी टेक्स्ट बुक से नहीं था एक मिनट लेट मी फाइंड अ क्वेश्चन गिव मी वन मिनट एक मिनट दो मुझे जस्ट अ मिनट ओके प्लस एक आपको जेडब्ल्यू के लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में भी आ सकते हैं नो डाउट ये कोई क्वेश्चन ले लो द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू R 80 and 60 torr respectively okay the total vapor pressure
of solution obtained by mixing three moles of P and 2 moles of Q will be हाँ करो plus solve easy है बस कुछ लग रहा है आपको लॉजिक इसके पीछे बोलो एकदम बच्चों पर बैठो एवरीवन हाँ या ना यस सर वॉलेटाइल सॉल्यूशन लगेगा हाँ वेरी गुड पहला लॉ लगेगा ना तो चलो अगर मैं लेट पी को लिक्विड 1 मानता राइट और क्यू को लिक्विड क्या मानता हूँ 2 मानता हूँ ऐसे पी और क्यू रखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता पर इजी पड़ेगा पी को हम लोग 1 मानते हैं लेट पी इज इक्वल टू लिक्विड 1 क्यू इज इक्वल टू लिक्विड 2 तो पहला क्वेश्चन पी 01 कितना है पी 1 इनटू एक्स 1 कितना है वैल्यू कितना है वैल्यू 80 80 है ना यस और क्योंकि वो लिक्विड वन क्या है पी 02 कितना है 60 प्लस एन 1 कितना है 2 3 मोल किसका पी का मोल 3 है ना यस और एन 2 कितना है 2 मोल ओके देयरफॉर एक्स 1 कितना होगा 3/5 3/5 x2 कितना होगा 2/5 फॉर्मूला बोलो p टोटल p1 x1 plus p2 x2 p1 plus p2 राइट 72 आएगा 72 x1 plus p0 2 x2 तो 80 into 3/5 वाला प्लस 60 इनटू 2/5 240 प्लस 120/5 72 48 राइट 24 कितना आ गया 70 72 ओके यहाँ पे कोई डाउट है आपको नो सर ओके तो क्लास ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चन मैं आपको और क्वेश्चन भेज दूंगा ट्राई प्रैक्टिस के लिए ओके तो क्लास यहाँ पे अब तक क्या बाकी है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ तो ये पार्ट हम लोग एकदम चैप्टर के एंड में करेंगे क्योंकि वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और थोड़ा थियोरिकल है तो अभी हम लोग थियोरिकल पार्ट अभी फिलहाल नहीं करेंगे डोंट वरी हम लोग कुछ भी स्किप नहीं करेंगे चैप्टर से चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी इसके आगे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी That is elevation of boiling point, right? Now, what is boiling point? Temperature at which vapor pressure equals the atmospheric pressure. Okay. The boiling point is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to external atmospheric pressure, right? So, पहले देखते हैं boiling point का definition. Boiling point of liquid. Defined as this temperature at which vapor pressure equals external vector becomes equal to atmospheric pressure external atmospheric pressure right yes एक्सटर्नल वर्ड हमेशा लिखो
ऐसे मेल्टिंग पॉइंट का क्या डेफिनेशन? मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेशन अलग होता है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके अगला सभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन बॉलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी. इंटरेस्टिंग है अगला, इसको हम लोग ग्राफिकली सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा. अगला टाइम प्लॉटिंग ऑन ग्राफ, हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो इस ग्राफ में हम लोग लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे हम लोग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और वाई एक्सिस पे लेंगे हम लोग वेपर प्रेशर. ओके तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 के साथ छोटा हो जाएगा. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1. यहाँ पे कितना है प्रेशर बोलो? 1 एटमॉस्फेयर. 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है. या फिर हम ले सकते हैं वैक्यूम क्या ले सकते हैं, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, राइट? यस, 1 एटमॉस्फेयर लिखा भी चलेगा, बस उतना काफी है 1 एटमॉस्फेयर. ओके और क्लास यहां पे टेंपरेचर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एंड सो ऑन, बराबर? यस यस. क्लास में एक सिंपल क्वेश्चन मैं भी पूछता हूं आपको. मैं हमारे पास एक बीकर है. ओके बीकर में हमने लिया वाटर, क्या लिया हमने बीकर में? वाटर लिया. तो दिस बीकर कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस. से फॉर एग्जांपल वाटर का टेंपरेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस. और ढक्कन लगा हुआ है तो इक्विलिब्रियम आएगा, राइट? यस. एट गिवन टेंपरेचर वाटर कुछ वेपर प्रेशर होगा? यस यस. वाटर इज अ वोलेटाइल लिक्विड, राइट? यस यस. हां तो से फॉर एग्जांपल देखो ये नंबर जो लिख रहा हूँ, मतलब ये इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर, नंबर एक्जैक्टली उसने है ही नहीं, आजू बाजू में हो सकता है पर सेम नंबर एक्जैक्ट नहीं है. तो क्लास एट 40 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सपोज कितना है? 0.4 एटमॉस्फेयर. कितना है समझो? 0.4 एटमॉस्फेयर. तो क्लास में लिखता है यहाँ पे P01, बराबर ना? वाई P01? प्योर स्टेट. प्योर स्टेट कितना है? 0.4 एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 और ये 0.4 है. तो क्लास टेम्परेचर 10, 20, 30, 40. तो क्लास एग्री करते हो यहाँ पे टेम्परेचर ये और ये वेपर प्रेशर ये, बराबर है? यस. प्लॉट द पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर तो आपका पॉइंट यहाँ पे कितना रहेगा, एग्री? यस यस. इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस. एंड वेपर प्रेशर कितना है? 0.4 एटमॉस्फेयर. ये समझ आपको? अरे वेपर प्रेशर. यस वेपर प्रेशर. बोलो क्या बोला? वेपर प्रेशर है कि चेंज इन वेपर प्रेशर है वाई एक्सिस पे? वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है. देखो एक मेरे पास वाटर है, कितना टेंपरेचर पे? 40 पे. तो 40 डिग्री पे उसका वेपर प्रेशर कितना है? 0.4 है. 0.4 तो चेंज क्यों होगा? वो है ना, 0.4 है तो 0.4 है, राइट? Yes. चेंज नहीं, सिर्फ वेपर प्रेशर. ओके क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग इस बीकर को हिट करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा. और वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा. आपको मालूम है वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट? टेम्परेचर. जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ऐसे वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा. तो क्लास ग्राफ हम लोग देखते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम लोग बीकर को हिट करेंगे और देखेंगे टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर जो वैल्यू बढ़ रहा है, तो वी प्लॉट ऑन अ ग्राफ पेपर, राइट? तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है. तो क्लास क्या होगा? एक टेम्परेचर इतना आएगा कि वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, मतलब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर? यस यस. प्लस जिस टेम्परेचर पे होता है वी कॉल इट टेम्परेचर एज अ बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड, राइट? प्योर वाटर प्लस प्योर सॉल्वेंट कोई भी हो, फिलहाल वाटर बोला तो है, तो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, राइट? यस. क्या इस टेंपरेचर पे क्या हुआ? वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर. प्लस लेट मी कॉल द टेंपरेचर एज T01. क्या लिखता हूं मैं? T01. प्लस 0 स्टैंड फॉर प्योर वाटर. प्योर वाटर
pure water, right? Vapor pressure of boiling point of pure water कितना है? Water बोले है solvent, solvent better word होगा, right? Yes. कोई भी solvent बोल सकता है तो T01 vapor pressure of I'm really sorry boiling point of pure solvent कितना है T01 ये clear है आपको? तो T01 क्या है boiling point of pure solvent. Okay, तो क्लास pure solvent boils at what temperature? T0. 100 degree. हाँ, water होगा तो 100 degree. कोई भी सॉल्वेंट होगा इन जनरल तो हम बोलेंगे एट T01 इट स्टार्ट्स बॉइलिंग बराबर है. यस यस क्लास यहां तक ठीक है आपको समझा. चलो हम लोग ग्राफ बोलते हैं इस ग्राफ को हम नाम देते हैं कर्व AB. तो क्लास ये कर्व AB किसके लिए बोलो दिस कर्व इज फॉर प्योर सॉल्वेंट. किसके लिए कर्व है ये प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के लिए. ओके क्लास अपन काम करते हैं अभी इस वाटर में हमारे पास वही वाटर है एट व्हाट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस अभी इस वाटर में क्या करते हैं थोड़ा सा ग्लूकोज डालते हैं. क्या डालते हैं ग्लूकोज कितना ग्लूकोज डालते हैं समझो 0.1 मोल ग्लूकोज डालते हैं कितना 0.1 मोल ग्लूकोज सबको मालूम है ग्लूकोज ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर 0.4 रहेगा चेंज हो जाएगा चेंज होगा ओके बढ़ेगा या कम होगा वेरी गुड. प्रॉपर्टी का नाम क्या है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्वेंट में आप क्या ऐड करते हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है कम होता है राइट. समझो वेपर प्रेशर कितना है से फॉर एग्जांपल कितना है 0.3 एटमॉस्फेयर. समझो हमने वाटर कितना लिया था से फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया था 1 kg. कितना वाटर लिया था हम लोगों ने 1 kg प्लस नॉट नेसेसरी 1 kg समझो हमने यहाँ पे 1 kg वाटर लिया था प्लस कैन यू नो टेल मी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. 0.1 नंबर ऑफ मोल्स कितने सॉल्यूट के आपके पास 0.1 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg. मोलैलिटी आएगा आपका 0.1 अपॉन 1 kg मतलब कितना होगा 0.1 मोल पर केजी. तो हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन 0.1 मोलाल है. क्या बोलेंगे 0.1 मोलाल. मोलाल स्मॉल एम का फुल फॉर्म क्या होता है मोल पर केजी. ठीक है यस सर यस सर. तो हम इसको 0.1 मोल पर केजी बोल सकते हैं फिर सिंपली बोल सकते हैं 0.1 मोलाल. ओके चलो वेपर प्रेशर चेंज हुआ राइट कितना चेंज हुआ बोलो 1 atm. प्लस देख मुझे बताओ टेम्परेचर उतना ही है कितना 40 डिग्री. अभी ये प्योर वाटर नहीं है कौन सा सोल्यूशन है 0.1 मोलाल सोल्यूशन है राइट. यस तो उसका वेपर प्रेशर 40 डिग्री पे एट टेम्परेचर 40 डिग्री उसका वेपर प्रेशर 0.4 है उससे कम है कम में कम है कम है कितना है बोलो 0.3 है. तो क्लास तो टेम्परेचर वही है कितना 40 डिग्री आपका सोल्यूशन 0.1 मोलाल तो उसका वेपर प्रेशर भी 0.4 नहीं रहेगा वो कितना होगा 0.3 वेपर प्रेशर बढ़ाया कम हुआ जहाँ पे क्या है सोल्यूशन है 0.1 मोलाल इसको हीट करेंगे प्लस क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी क्या होगा बढ़ेगा प्लस जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है प्लस टेम्परेचर इंक्रीज वेपर प्रेशर ऑल्सो increases plus jahan pe water free boil ho raha tha is temperature pe solution boil hoga ya nahi hoga jis temperature pe water boil ho raha tha us temperature pe solution boil hoga ya nahi hoga answer hai nahi hoga kyunki abhi bhi vapor pressure 1 atmosphere se zyada ya kam hai kam hai kam hai bas dekho ye point dekho ye aapko ye point dikh raha hai yes aur aapke solution ka temperature देखो वाटर 100 पे बॉयल होता है राइट
तब का सॉल्यूशन 100 पे पहुंच गया, पर प्रॉब्लम क्या है, अभी भी उसका वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर नहीं हुआ सॉल्यूशन का, उससे ज्यादा या कम है, 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा या कम है, कम है, कम है, कम है। ये पॉइंट समझा नहीं समझा आपको? यस समझा सर। यस यस सर। देखो सॉल्यूशन का टेंपरेचर सॉल्वेंट के टेंपरेचर पे आ गया, पर प्रॉब्लम क्या है, इस टेंपरेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना हो गया था, पर इस टेंपरेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर से क्या ज्यादा या कम है, कम है, कम है। हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को थोड़ा सा और हीट करना पड़ेगा, राइट, और हीट करना पड़ेगा, तो टेंपरेचर और बढ़ेगा और क्लास किधर इधर किधर जाके बराबर क्या होगा, वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, बराबर ना? यस आया ना? यस सर। यस तो यहां पे जाके वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, प्लस आपका सॉल्यूशन ज्यादा टेंपरेचर पे बॉयल हो रहा है सॉल्वेंट से या कम टेंपरेचर पे? ज्यादा, ज्यादा टेंपरेचर। तो प्लस सपोज आई से एक मिनट, देखो ये इस टेंपरेचर पे आपका सॉल्यूशन बॉयल हो गया, राइट, कौन सा सॉल्यूशन, 0.1 मोलर सॉल्यूशन, कौन सा, 0.1 मोलर सॉल्यूशन, आई कॉल दिस टेंपरेचर एज T1, मैं क्या दूंगा टेंपरेचर को T1। ओके तो क्लास यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, आया ना? यस यस। तो आप बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट इतना बड़ा है, बराबर है डेल्टा टीबी, क्लास डेल्टा टीबी मतलब क्या, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा सॉल्यूशन है बताओ मुझे, दिस इज 0.1 मोलर सॉल्यूशन, बराबर है 0.1 मोलर सॉल्यूशन। यस क्लास आपके टेक्स्ट बुक में या कोई भी टेक्स्ट बुक में सिर्फ दो ही लाइन है, हम लोग तीसरा भी करेंगे चाहे तो चौथा भी करेंगे, ये कौन सा सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन। यस अब हम लोग एक काम करते हैं और हम लोग तीसरा भी कर लेते हैं, अभी क्या करते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं, तीसरा बिगर। तो अब इसमें 0.1 मोल ग्लूकोज के अब हम लोग क्या यूज करते हैं, 0.2 मोल यूरिया, क्या यूज करते हैं, 0.2 मोल यूरिया, या ग्लूकोज यूज किया तो भी चलेगा, क्लास ग्लूकोज हो या यूरिया फर्क पड़ता है? नो नो नो, क्लास प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, डिपेंड ऑन द नंबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, प्लस तो यहां पे 0.2 मोल ग्लूकोज लिया हम लोगों ने, कितना लिया, 0.2 मोल, क्लास का मोलैरिटी कितना होगा, सॉल्यूशन का मोलैरिटी 0.2 मोलल, 0.2 मोलल N2 upon W2, N2, तो क्लास N2 कितना है, 0.2 मोल upon 1 kg, W1 कितना है, 1 kg, तो आपका मोल रहेगा 0.2 मोल पर kg। हाँ वैसे क्वेश्चन है, वाटर जब प्योर था उसका वेपर प्रेशर कितना था, 0.4 था, राइट, 4, जब उसमें 0.1 मोल यूरिया ऐड किया तो वेपर प्रेशर 0.4 से 0.3 हो गया, अगर 0.2 ऐड करो तो वेपर प्रेशर 0.4 से कितना हो जाएगा, 0.2, क्यों डिफरेंस ज्यादा आ गया, बिकॉज़ पार्टिकल्स क्या हो गया, अभी डबल हो गया, राइट, तो आपको डिफरेंस भी क्या आएगा, डबल आएगा, हाँ या ना, डबल आएगा, यस यस सर, क्यों, बिकॉज़ डिफरेंस कितना आता है, कौन डिसाइड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, तो ऊपर कितना बोलता, 0.1 बोलता, राइट, तो आपको डिफरेंस 0.1 का आया था, अभी यहां पे कितना मोल है, 0.2 बोलता है, यहां पे डिफरेंस कितना आएगा आपको, उसका डबल आएगा, राइट, डबल आएगा, यस, 0.4 माइनस 0.2 तो कितना आएगा आपको डिफरेंस, 0.2 आएगा, राइट, एटमॉस्फेयर, या तो ठीक है आपको समझा, यस सर, ओके, प्लस आपका टेंपरेचर कितना है, 40 डिग्री, पर अभी सॉल्यूशन कितना है बोलो, सॉल्यूशन कितना है, 0.2 मोल आ रहा, राइट, 0.2 मोल आ रहा, प्लस टेंपरेचर उतना है, टेंपरेचर उतना है 40 डिग्री, प्लस फर्स्ट क्लास 40 डिग्री सेल्सियस पे 0.2 मोल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, 0.2 है, बराबर है, एट 40 डिग्री, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी बढ़ गया, वेपर प्रेशर और चेंज हो गया, राइट, तो इट्स नाउ 0.2 है, बस फिक्स करते हैं,
जब प्योर वाटर था क्लास ध्यान दो ऊपर पहले डायग्राम में जब दिस इज डायग्राम नंबर 1 प्योर वाटर था वेपर प्रेशर एट 40 डिग्री कितना था 0.4 क्लास में 0.1 मोल ग्लूकोज ऐड किया तो वेपर प्रेशर कितना हो गया 0.3 ओके क्लास में अगर 0.2 मोल ग्लूकोज ऐड किया तो वेपर प्रेशर कितना हो गया 0.2 हो गया आई होप यू अंडरस्टैंड ये सब समझ रहे आपको यस सर यस सर गुड तो प्लस ये 0.2 ग्लूकोज सॉल्यूशन है मोलर उसका वेपर प्रेशर 40 डिग्री पे कितना है 0.2 है प्लस हम लोग क्या करेंगे इसको हीट करेंगे इस सॉल्यूशन को प्लस क्या होगा टेंपरेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा प्लस जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो पहला क्वेश्चन क्या इस टेंपरेचर पे सॉल्यूशन बॉयल होगा नो नो वेपर प्रेशर अभी यहां पे 0.1 से बहुत कम है राइट बहुत कम है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर 0.4 के आसपास है बराबर ना 0.4 0.5 के आसपास है तो 1 से बहुत दूर है यहाँ पे सॉल्यूशन बॉयल होगा या नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा टेंपरेचर थोड़ा और बढ़ाएंगे नहीं होगा यहाँ पे ऑयल होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा क्यों नहीं होगा बिकॉज वेपर प्रेशर अभी भी क्या 1 एटमॉस्फेयर से कम है तो हमें इसको और हीट करना पड़ेगा तो क्लास हम लोग समझो इसको और हीट करेंगे तो क्लास यहाँ पे जाके इस टेम्परेचर पे किधर तो क्या होगा वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्लास वो क्या होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका बॉइलिंग पॉइंट बोलो बच्चे लोग 0.2 मोलर सॉल्यूशन 0.2 मोलर सॉल्यूशन का राइट यस क्लास अभी आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ये होगा बराबर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट यस तो क्लास यहां पे चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट पहले केस से ज्यादा इसको मैं बोलता हूं 1 इसको बोलता हूं 2 तो क्लास व्हिच इज ग्रेटर 1 और 2 बिल्कुल हाँ बोलो इसके अंदर वोलेटाइल सॉल्यूशन ऐड किया तो और कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा वोलेटाइल के लिए हमारे पास कुछ रूल ही नहीं है मतलब we don't have any formula for volatile apna qualitative properties study only for we solute non volatile volatile ke liye apne book mein bhi kidhar nahi hai aur kidhar bhi mention hi nahi hai to main ek bar dekh leta volatile ke liye kya rules hai par shayad uske liye shayad qualitative property applicable nahi hoga volatile ke liye isliye nahi to dete ho okay yes first ek pehla question aapke liye pehla question bahut carefully suno plus jab volatility kitna tha 0.1 right carefully suno bahut zyada carefully suno jab molarity kitna tha 0.1 to plus change in boiling change in vapor pressure kitna tha 0.1 jab molarity 0.2 tha to change in vapor pressure kitna tha 0.2 main ek statement likh raha hu mujhe pata hai ye statement aapko barabar lag raha hai ya wrong lag raha hai to change in vapor pressure plus don't say increase or decrease apne interest kis mein sirf change mein तो चेंज इन वेपर प्रेशर बराबर है नो डाउट वो डिक्रीज हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी प्लस स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है यस सर करेक्ट है करेक्ट है सर करेक्ट है बोलता हूं जब आपके प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था 0.4 था 0.4 अगर सॉल्यूशन 0.1 मोलर हो गया तो 0.4 कितना हो गया 0.3 तो चेंज कितना गया आपको 0.1 का 0.1 तो आपके पास प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना था 0.4 राइट यस और मोलैलिटी कितना हो गया 0.2 हो गया तो वेपर प्रेशर कितना हो गया 0.2 हो गया तो प्लस चेंज कितना आया 0.2 प्लस 0.1 मोलल के लिए 0.1 मोलल सॉल्यूशन के लिए चेंज इन वेपर प्रेशर 0.1 एटमॉस्फेयर है बराबर है 0.1 एटमॉस्फेयर मोलल के लिए चेंज इन वेपर प्रेशर 0.2 एटमॉस्फेयर मतलब क्या अगर डेल्टा पी डबल होता है ओके उल्टा बोलते हैं अगर मोलैलिटी डबल होता है राइट तो डेल्टा पी भी क्या होता है डबल होता है डबल होता है क्लास ये आपको क्लियर है पहला पॉइंट यस सर यस यस सर लोगों को
सर इतना ही है ज्यादा, मतलब यही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने इक्वेशन के दो आगे, तो सिर्फ मैथमेटिक्स है। सर दूसरा क्वेश्चन है, प्लस मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ अगेन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। प्लस समझो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 100.1 है और ये 100.2 है, ठीक है। तो बोला वेपर प्रेशर 0.4 से जब 0.3 गया, वेपर प्रेशर कितना गया 0.4 से 0.3 गया, दिख रहा है आपको? यस यस। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से 100.1 गया, बराबर आया ना? यस यस। लॉक कर सकते हैं, अह वैसे प्रोपोर्शनल टू पी आएगा, इन सर वेरी गुड। प्लस देखो वेपर प्रेशर 0.4 से कितना हो गया, 0.3 हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 100.1 हो गया। एवरीवन एग्री विद दैट? यस सर। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर जब 0.4 से 0.2 हो गया, बराबर है? यस यस। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट 100.2 गया, 100 से 100.2 चला गया, बराबर है? Yes. So class, can I make a statement? Change in boiling point, right? Is directly proportional to change of vapor pressure. चलो नहीं समझ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। तो वेपर प्रेशर कितना चेंज हुआ बोलो? 0.4 से 0.3, right? 0.3. Boiling point कितना चेंज हुआ बोलो? Boiling point कितना चेंज हुआ? 100.1. मतलब class, चेंज इन वेपर प्रेशर 0.1 था, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट भी 0.1 था, राइट? 0.1, यस। प्लस बाद में जब वेपर प्रेशर 0.4 से कितना हो गया, 0.2 हो गया, बराबर है? चेक करो, 0.2 से 0.2 हो गया, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट 100.2 माइनस 100, 100 से 100.2 हो गया, राइट? यस, 0.2 हो गया। प्लस अगर डेल्टा पी डबल हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। क्लियर है आपको? यस सर। बस या फिर दो इक्वेशन रट्टा मार लो, मुझे लगता है कि रट्टा मत मारो, आपको समझना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पे। प्लस टेक्सटबुक में कुछ भी मेंशन नहीं है, टेक्सटबुक में डायरेक्टली उन्होंने मतलब दे दिया है, आप उसको भाइड करो, डोंट भाइड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, ये समझे आपको? Yes. थोड़ा और लॉजिकली बोलेंगे तो क्लास क्या बोल सकते हम लोग, वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बोलो, बढ़ता है, बढ़ता है। जब वेपर प्रेशर 0.4 से 0.3, आप ना ग्राफ से ना आपका हाथ रखो, जब वेपर प्रेशर 0.4 से 0.3 हो रहा है, तो वेपर प्रेशर 0.4 से 0.3 हो रहा है, राइट? वेपर प्रेशर जब कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से 100.1 हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट? बढ़ रहा है, yes. तो वेपर प्रेशर में अगर चेंज कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज कम होगा, और वेपर प्रेशर में चेंज ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर अगर ज्यादा कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा, प्लस ज्यादा बढ़ेगा, समझ रहे हैं? यस सर। तो प्लस इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं, इसके आगे सिंपल है। प्लस एक सिंपल मैथमेटिक्स बोलता है, ए प्रोपोर्शनल टू बी and b proportional to c, we can say a proportional to c. plus in do equation ko dekhiye, kya hum log bol sakte hain, change in boiling point, elevation of boiling point proportional plus to elevation to bol rahe bolo, why we are using term elevation, increase ho raha hai, okay, boiling point kya ho raha hai, increase. agar aapke paas pure water ki jagah pe kya hota, 0.1 molar solution hota to boiling point 100 se 100.1 hota, aur 0.2 hota to 100.2 किसके लिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, राइट? यस। तो हम लोग उसका नाम क्या देंगे, केबी, क्या नाम देंगे कांस्टेंट को, केबी को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नहीं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फिजिक्स में आता है, केबी इज डिफरेंट, या
केस में केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में केबी क्या होता है, तो इस केस में केबी इज कॉल्ड एज द मोलाल, इसका नाम है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट. क्या नाम है बोलो? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट. अभी सिलेबस में पहले अपने क्या थे एक्सपेरिमेंट्स थे केबी को फाइंड करने के लिए, उन्होंने निकाल दिया दो साल पहले वो एक्सपेरिमेंट्स निकाल दिए. तो क्लास सबको जेडब्ल्यू के लिए मालूम होना चाहिए कि केबी फाइंड करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एक्चुअली यही से भी निकाल दिया है, पर आपको केबी फाइंड करने के जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है इबिलोस्कोपी. क्या होता है इबिलोमेलिक, स्पेलिंग लिखता हूँ ई बी यू एल आई ओ एस सी ओ ई बी यू डबल एल आई ओ, बाद में स्पेलिंग चेक करना नोट्स में. इबिलोस्कोपी क्या होता है इसको? इबिलोस्कोपी. तो इसलिए केबी को नाम देते हैं इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट. कांस्टेंट कांस्टेंट. तो क्लास दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम रिलेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डेल्टा डी इज इक्वल टू केबी इनटू स्मॉल एम. ओके क्लास कोई पूछता है आपको केबी का यूनिट क्या है? अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना क्लास देखो, ये कभी मत बोलना, मैं बार बार पूछूंगा आपको ये बाद में भी. तो केबी करंट क्या होगा? डेल्टा टीबी अपॉन एम बराबर ना डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल अपॉन मोल. चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस. राइट, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस चेंज इन डिग्री सेल्सियस तो डिग्री सेल्सियस मोलैलिटी करंट होता है. ये मोल नहीं मोलैलिटी है, मोल पर केजी. मोल पर केजी मोलैलिटी. मोल या मोलैलिटी है, मोल का सिंबल एन होता है, ये एम है. एम क्या मोलैलिटी होता है? राइट, मोल पर केजी. तो क्या यूनिट होगा इसका? डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल. राइट, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल बराबर. चलो हाँ अभी देखते हैं इस क्लास में मुझे इसका आंसर कौन बड़ा दे सकता है. क्लास समझो मेरे पास केबी का वैल्यू है 0.52 प्लस 8 केबी का वैल्यू डिपेंड होता है सॉल्वेंट के ऊपर. अगर वाटर के लिए उसका वैल्यू केबी कितना है 0.52 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल बराबर है. प्लस यही वैल्यू आपको केल्विन में कितना आएगा? ये वैल्यू केल्विन में कितना होगा? इफ आस्क केल्विन केल्विन सर सेम आएगा. अगर टेंपरेचर सेम आएगा क्यों बच्चा सेम आएगा? दोनों का यूनिट सेम, ये इंटरवल सेम रहता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल का. वेरी गुड. तो क्लास इफ ऐसे 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस कितना है बोलो? 1 डिग्री सेल्सियस. 1 डिग्री सेल्सियस. नाउ क्लास नाउ कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन. 2 डिग्री सेल्सियस इज 275 केल्विन. राइट, 275. एंड 1 डिग्री इज 274. तो आंसर कितना आएगा? One Kelvin. KB क्या है? KB is difference of temperature, right? KB is difference of temperature. तो बोला difference of temperature degree में लो या फिर Kelvin में लो. Difference तो क्या आएगा? Same ही आएगा ना बच्चों? Yes. तो class अगर आपको KB का degree में दिया, आपको Kelvin में चाहिए, तो class 273 plus add मत करो गलती से भी. आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? This is very important. Yes. तो value of degree में और Kelvin में क्या होगा? Same ही होगा. Reason क्या है? Because it is a difference of temperature. So difference of temperature is always same in unit, right? Difference ki baat karoge to degree mein lo ya fir kelvin lo, difference will be one and the same. I hope ye aapko samjha. Yes sir. Yes sir. Yes sir. So molar relation ka answer bas ha. So bas iske bare mein baki cheeze hum next lecture pe dekhte hain, theek hai? Yes sir. So jitna aapke paas notes hai, sab aapke paas notes hai na?